हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। स्व ब्लॉग में स्वागत है। छोटी सी वीडियो कर दीजिएगा लाइक से, सब्सक्राइब बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देख सकते हो मैं आ गई हूँ बारात में। जैसा शादी में शादी यहाँ हो रही है वहाँ पर आ चुके हैं डाल्टिंग, और यहाँ देख सकते हो बारात आ चुकी है। बारात आने के बाद में इस तरह से किया जाता है। दुल्हन की मम्मी है ना, इस तरह से आज चादर को अपने दुल्हन को सिर पे रखते हैं, और जब तक दुअर पूजा होती है तब तक, और दुअर पूजा होने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो दुअर पूजा हो रही है। और यहाँ देखो दुअर पूजा होने के बाद इधर कैसे दुअर पूजा हो रहे हैं, और इस तरह से दुअर पूजा होने के बाद में यहाँ मैं खड़ी हूँ। और खड़े होने के बाद इधर देख सकते हो मेरे पतिदेव जी ना वही कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये देखो यहाँ पे इतना सारे लोग हैं यहाँ पे, और अब हो चुका है यहाँ जयमाला के लिए। जयमाला के लिए लड़की दुल्हन ना दुल्हन को ले जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं हम लोग, और सारे लोग ना मिल करके इसी तरह से जा रहे हैं। और कमेंट भी कीजिएगा किस तरह से आपको लगा दुल्हन लगी दुल्हन ना। तो ऐसे जाते जा रहे हैं हम लोग, और इस तरह से हम लोग पहुँचने वाले हैं। और काफ़ी जयमाला की स्टेज दूर थी, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा ये है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ, पहुँचने वाले हैं यहाँ स्टेज के पास में, पहुँच चुके हैं यहाँ। और इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉग है और मैं सुबह में ये कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह में। और बाहर में क्या है ना, बाहर में ये हो रहा है, पूरा शोरगुल हो रहा है। बाबू लोग बच्चा है घर में तो रो रही है, ठीक है, तो ये आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर कर दीजिएगा। ब्लॉग है तो रात में किए थे दो तीन बार, तो उसमें पता नहीं क्यों इसमें कॉपीराइट लग गई थी, इसलिए मैं दोबारा से कर रही हूँ फिर से। तो मैं इसमें कोई म्यूजिक ऐड नहीं कर रही हूँ, जैसे काइन मास्टर से ही म्यूजिक ऐड करते हैं। और यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग दुल्हन भी चले गए, और ये देख सकते हो इधर यहाँ पे आरती वगैरह थाल सजाया जा रहा है, और माचिस भी ये जल रही है, और दिया भी जलाया गया है। और यहाँ देख सकते हो रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद रिंग सेरेमनी होने के बाद ये देख सकते हो रिंग है, रिंग सेरेमनी होने के बाद में उसके बाद दूल्हा देख ही सकते हो, दूल्हा जो है ना दुल्हन को ये पहनाएंगे पहले, देख सकते हो। तो दुल्हन है, दूल्हा को पहना रही है, और उसके बाद दूल्हा पहनाएंगे, और इस तरह से मेरे को तो ये लग रही है। और रिंग सेरेमनी हुई पूरा, और यहाँ पूरा होने के बाद में उसके बाद यहाँ देख सकते हो इधर जयमाला शुरू होगी। जयमाला होने के बाद में जयमाला हो रही है यहाँ पे, तो इधर इसी तरह से कार्यक्रम हो रही है धीरे धीरे करके। और ये देख सकते हो आरती उतार रहे हैं, और आरती वगैरह उतारने के बाद में चंदन टीका वगैरह लगा रही हैं, और इस तरह से फोटो शोटो शूट बहुत सारे हो रहे हैं। और जयमाला इधर एक दूसरे को लेकर के ये करेंगे, देखो हमारे साथ करती हुई बने रही है। और इसी तरह से इधर बहुत सारे इधर फोटो वगैरह शूट हो रहे हैं इसीलिए, और शादी है भैया पूरा ये तो होना चाहिए, है ना। और बहुत अच्छा लगा, शादी में ही इंजॉय होनी चाहिए और करते भी है। और ये देखो जयमाला हुई संपन्न, जयमाला संपन्न होने के बाद में, और ये देखो यहाँ पे ना फिर से मतलब जब जब जो जो हो रहा है ना रस्मी रिवाज हो रहा है जैसे जैसे, तो ऐसे ही फोटो शूट हो रहे हैं। और इसमें ना रसगुल्ला खिलाए जा रहे हैं, रसगुल्ला खिला करके और उसके बाद में पानी वगैरह पिलाएंगे। और पानी पिलाने के बाद में यहाँ पे पता नहीं यार सुबह सुबह कर रही हूँ ना, मेरा ना ये आवाज़ थोड़ा सा ये हो गया है, गला बैठ गया है, और यहाँ आने के बाद ना सर्दी हो चुकी है, ठीक है,
तो इसी तरह से हमारा, और ये वीडियो लेट से हमारी जा रही है, और मैं ये वीडियो परसों एक मटकुड़वा वाला डाली थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको कल ही डाल दूँ, तो ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज इसको डालेंगे। तो ये देखो, और इधर हो चुका है, इधर परछावन के लिए आ गए हैं, इधर तो परछाया जा रहा है यहाँ पे, तो परछने के लिए सारे लोग, हम लोग, मैं भी इधर पीछे में खड़ी हूँ, और इधर दूल्हा दूल्हा को परछ रहे हैं, ये दुल्हन को दीदी हैं और मम्मी परछ परछ चुके हैं, और इस तरह से पान के पत्ता से सेकते हैं हमारे यहाँ, तो इसी तरह से सेका जाता है। और ये है गोबरौरी, तो गोबरौरी से भी परछा जाता है इसी तरह से। ठीक है, तो मेरी आती है बारी बाद में, तो मैं बाद में परछूँगी। ठीक है, ये परछने के बाद में मैं जाऊँगी परछने के लिए, तो मेरे पास चेंज नहीं थे, तो मैं वही बोल रही थी, मेरे पास चेंज नहीं है, मैं क्या करूं, तो चेंज करके दिए थे, तो उसके बाद मैं परछन लगा रही हूँ, परछ रही हूँ, देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं किस तरह से लग रही हूँ ये कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और पता नहीं मेरा ये कैसे ये हो जा रहा है, समझ ही मैं नहीं पाती हूँ कैसे हो जाते हैं ये, और मैं कैसे करूँ एडिटिंग, ना करूँ समझ में नहीं आती मेरी मुझे। और ये देख सकते हो, ऐसे करके मैं बार बार जब, और मैं इतना मेहनत से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ शूट, और वीडियो करने समय गाइज ना, ये सारे लोग मुझे ही देखते हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ऐसे बोल के, उतना बीच के सामने में इतना ऐसे करके रिकॉर्ड करते हैं, और मेहनत लगता है रिकॉर्ड करने में भी। ठीक है, सारे लोग देखते हैं, टुकुर टुकुर अच्छा भी नहीं लगता है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे, और सारे गाँव की ही लेडीज आई हुई थी, और ये देख सकते हो यहाँ पे आ चुके हैं, शादी हो रही है, और मड़वा में ऊपर, मड़वा ना ऊपर छत पे है, और शंखा शंखा पनिया डाल करके बिरान कैलू हो, ये गाना हो रही है गीत यहाँ पे, तो इसी तरह से गीत, और मैंने गीत ही डाली थी, पता नहीं गीत ये करने के बाद भी क्यों ऐसा हुआ, तो फिर से मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर ये कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। और अब यहाँ पे बारी आती है यहाँ 7 फेरों की, तो 7 फेरों फेरा हो रही है यहाँ पे, और हल्दी ना, हल्दी 7 ठो रहता है, जैसे जैसे हल्दी गिरता है वैसे वैसे फेरे पूरे होते हैं, तो ये फेरा हो चुकी है पूरा, और यहाँ पे बैठ चुके हैं, और यहाँ पे भसुर जा रहे हैं गाना चढ़ाने के लिए, और मैं इस तरह से बैठी हुई हूँ, और मैं ना उस दिन रात भर जगी हुई थी, देख सकते हो, और मड़वा भी किस तरह से लग रहा है आपको ये भी कमेंट कीजिएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ना चावल वगैरह अंजूरी भरा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये होगा गहना चढ़ेगा, तो ये देख सकते हो चादर है, चादर चढ़ाया जा रहा है, और गहना भी चढ़ेगा यहाँ पे, तो इसी तरह से हमारे यहाँ शादी होती है, और किनके किनके यहाँ ऐसे होते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा आप, और इस तरह से होती है, और ये देखो गहना है, गहना चढ़ रहा है इस तरह से, हमारे भी गहने चढ़ी हुई थी, इसी तरह से चढ़ाया जाता है, और हमारी तो शादी बहुत ही से हुई थी, लेकिन अच्छा ही था, तो ये सब देख करके ना अपना शादी याद आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से है, तो ऐसे ही गहना वगैरह बहुत सारा ऐसे चढ़ रहा है, मेरा भी चैन चढ़ा हुआ था, झुमके चढ़े हुए थे इसी तरह से, और मतलब मेरा ना इससे भारी भारी था, चढ़ाया गया था, और मेरा तो भाई 2003 में हुई थी शादी, तो मेरी तो उस समय मतलब गहना की रेट कम थी। ठीक है, तो आज का गहना में पूरा ये है, तो ठीक ही है, चलो देख सकते हो यहाँ पे ये गहना है, तो कैसा गहना लगा आप वो कमेंट भी कीजिएगा, किस तरह से गहना लगा। ठीक है, और कैसा लगा, तो भाई यहाँ पे तो गहना चढ़ चुका है, और शादी भी शायद हो चुकी है संपन्न, और यहाँ पे मड़वा के पास फिर दूल्हा दुल्हन को चुमाया जाता है, उसके बाद परछन करने के बाद में हम लोग ले जा रहे हैं घर में, और घर में ले जाने के बाद में दुहर छेकाई होती है, दुहर छेकाई होने के बाद में, और इधर देख सकते हो आ रहे हैं, और फिर यहाँ फोटो शोटो शूट होते हुए बहुत सारे फोटो शूट हो रहे थे, और ये देखो यहाँ पे पहन लोग है ना दुल्हन का, जो
दुहारी शिकाई हो रही है, तो ये दूल्हे राजा कुछ बोल रहे हैं और यहाँ दुहारी शिकाई हो चुकी है और यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग, अंदर आ चुके हैं, जिसको कोबर बोला जाता है। तो कोबर में लिखाया जाता है, तो यहाँ पे कोबर लिख में आजकल कोई नहीं लिखते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे है। तो यहाँ पर ना दुल्हन ना मौर है ना, ये दूल्हे राजा जो मौर पहने हुए हैं ना, तो उसको उतारेंगे और ये मौर में क्या है ये बोलेंगे ना, हम ये चीज़ देंगे, तो डिमांड होती है दुल्हन को कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो दूल्हा बोलेंगे कि हम देंगे और वो बोलेंगे कि हमको अपना इच्छा के अनुसार वो बोलेंगे कि हम दे पाएंगे। तो उतर गया है इनका मौर, और मौर उतरने के बाद में यहाँ पे तेल देते हैं, तेल लगाया जाता है दूल्हा को, तो वही तेल लगा रहे हैं दूल्हे को, ठीक है। तो दूल्हा राजा मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते हुए, कैसा वीडियो लगा लाइक कमेंट शेयर, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।